प्रदेश सरकार भले ही कर्ज माफी और कृषि को लाभ का धंधा बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है, लेकिन सरकारी कर्मचारी योजनाओं का पलीता लगाकर किसानों को परेशान कर रहे हैं। ऐसा ही मामला इंदौर जिले की चंद्रावती गंज में सामने आया, जहां लंबे समय से किसानों को अपनी फसल की राशि नहीं मिल रही है। इंदौर जिले के सांवेर तहसील स्थित चंद्रावती गंज में समर्थन मूल्य पर 28 मार्च से किसानों के गेहूं की खरीदी प्रारंभ हुई थी, लेकिन आज तक किसानों के खाते में पैसा जमा नहीं हुआ, जबकि गेहूं तोलने के 5 दिन बाद किसान के खाते में पैसा जमा होने की बात बताई जा रही थी। वहीं फसल बेचने के बाद भी समय पर राशि नहीं मिलने पर किसानों ने शासन प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताते हुए उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। मंडी प्रबंधक ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि जल्द ही समस्या का निराकरण कर 20 तारीख को मैंने गेहूं डाला था सोसाइटी में, जो पेमेंट नहीं आया, 4-5 बार मैं बैंक में होके आया और यहाँ भी तलाश करा तो कोई पेमेंट नहीं। 30-3 को 30-4 एक महीना हो गया आपको? 30-3 एक महीना बराबर हो गया आपके? एक महीने से करो वहाँ पहले ज़्यादा हो गया। आज ये शाम को करेंगे RTO, वो कल और परसों वहाँ से EPO जनरेट होगा भोपाल, लगभग मतलब जो अभी प्रक्रिया तय है उसमें 5 से 6 दिन में खाते में आना चाहिए। 5 से 6 दिन में? 4 से 5 दिन तो लगते हैं प्रोसेस में, तो 5-6 दिन कम से कम आना चाहिए, पर अभी वही मैं रिपोर्ट ले रहा हूँ जिससे वही शक आ गया है। तो अपन ये मान लें कि वो प्रक्रिया ठीक है सर। ये EPO जैसे आज ये है काका जी, अब ये है टाकून के, आप अगर चंद्रवती गंज के ये रोड गए, अगर एक ट्रक में 15 किसान का माल गया तो वो एक EPO बनेगा। अब वो भी सिस्टम बदल गया, अब इनका जो 7 दिन भर ये तुल रहा है, आज ही माल तुल रहा है, आज शाम को तुल रहा है, आज रात तक जो तुलेगा वो सारा आज का ये रात में डालेंगे R2T, इसका आज के दिन का इनको एक EPO मिलेगा। कब आ रहा आप हमारा जी? आज अगर 15 किसान का ये EPO जारी करेंगे और अगर उसमें एक किसान गलत है तो पूरा EPO रुक जाएगा, सबका रुक जाएगा पेमेंट, पूरा पेमेंट रुक जाएगा। उसको डिलीट करके हम लोग चाहते हैं भाई एक आदमी के कारण मुझे 15 क्यों परेशान हो गए, उसको एक को ब्लॉक करने का सिस्टम बनाओ, पर वो कहाँ नजीक कंप्यूटर। फिलहाल लोकसभा चुनाव में कांग्रेस भाजपा किसानों के नाम पर वोट मांग रही है, लेकिन उन्हीं किसानों को अपनी फसल का दाम लेने के लिए बार बार चक्कर लगवाए जा रहे हैं। बहरहाल देखना ये होगा कि देश के अन्नदाताओं को उनकी मेहनत का फल कब तक मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, INC24 न्यूज, इंदौर।